अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक मुनक़िद होने वाली ग्राम सभा को कामयाब बनाया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के अलावा अराकीन असम्बली और पार्टी कायदीन को दी हिदायत। कांग्रेस ने अक़लियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। बीआरएस रुकन कौंसिल के कविता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर की तनकीद। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने पेश किया खिराज। कहा, बाहैसियत वज़ीर आज़म अटल जी की खिदमत को याद रखा जाएगा। तेलंगाना के कई अजला में सर्दी और कोहर का असर जारी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी से मुलाकात करते हुए 28 दिसंबर तक 6 जनवरी मुनक़िद होने वाली ग्राम सभा को कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर मुज़ाकरात किए। इसके अलावा उन्होंने पार्टी कायदीन की जानिब से आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली और पार्टी कायदीन को सरगर्म होने की भी हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस बात का ख्याल रखना नहायत ही ज़रूरी है कि अहदेदारों के काम में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला के सामने कई एक तजावीज़ भी पेश की। बीआरएस रुकन खानसास कौंसिल के कविता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत हिजाब पर पाबंदी आयद करने में तजब्जुब का शिकार होकर टाल मटोल की पॉलिसी अपनाए हुए है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी अक़लियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की और वो क्यों बात करने से गुरेज कर रहे हैं, इसकी वजाहत होनी चाहिए। के कविता ने इस यकीन का इजहार किया कि पार्लियामानी इंतखाबात में बीआरएस 2019 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेंगी। They are making statement which will ultimately divide the country in ways which we cannot even imagine. For example, when parties talk about Sanatan Dharma, when parties talk about calling certain Hindi Patti states Gaumutra states, or when they talk about disrespecting the labor or not insulting the labor who work or clean toilets, etc. These statements should not be taken slightly. If Congress party, which is a major party of the alliance, and if Rahul Gandhi, who talks about Jodo Yatra, who talks about uniting the nation, if he has taken these statements seriously in the very beginning, when Sanatan Dharma was insulted, hurting many crores of people, and their sentiments across India, Mr. Rahul Gandhi never reacted. If he would have reacted then, so then they would not have made these statements. So a party which isn't part of the major alliance is making statements, and the alliance head or Mr. Rahul Gandhi, who is heading the whole thing, is not saying anything. He is answerable to the people of this nation. I call him Election Gandhi because he only works during election. I want to request Rahulji that Rahulji, MP election is closer, Lok Sabha election is coming up. Why don't you start answering the people at least now? You should tell the people that you are not disrespectful of Hindus. You should tell the people that you are not disrespecting the labor. You should tell the people that inside the parliament anybody cannot stand up and insult a bunch of states together with derogatory remarks. And when they are making these remarks, you as a party, you as a leader, should not only do PR with your Jodo Yatra, but you should really stand up for what you say. This is the time you should stand up, make statement, and clear it out to the nation that you are not against Hindus, you are not against the dignity of labor, and you are not against the Hindi-speaking state. देखिए, हम लगातार यही कहते आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के समय में कुछ भी बोलती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही वो सारे वादे भूल जाते हैं। कर्नाटका में भी उन्होंने यही किया, कि छह गारंटी दे रहे हैं, ये है वो है, और उस पर कोई अमलावरी अभी तक ढंग से हुआ नहीं है। दूसरी बात, हिजाब पे बैन हटाने की बात स्पेशली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो कह रहे थे, लेकिन अभी उसके ऊपर भी वो आगे पीछे हो रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के डीएनए है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अब देश की जनता को डिसाइड करना है कि हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना है नहीं देना है। सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा नीलोफर हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर मेवे जात तकसीम किए। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने बाहैसियत मरकजी वज़ीर ख़ारजा पासपोर्ट के निज़ाम में तब्दीली लाते हुए हर एक को पासपोर्ट फराहम करने के अलावा बाहैसियत वज़ीर आज़म पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात बेहतर किए और मुल्क की मईशियत को भी उन्होंने मुस्तहकम किया था। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 28 दिसंबर को रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी नायकत्व केंद्र प्रभुत्वं वाजपेयी गारी स्फूर्ति तो देशानिकी सेवा वाजपेयी गारी अडुगुजाडल्लो नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वंलो भारतीय जनता पार्टी प्रभुत्वमु అనేక రకాలుగా సేవలు చేస్తారు। వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా చిన్న అవినీతి ఆరోపణ లేకుండా మంచి పరిపాలన వాజ్పేయి గారు అందించారు। ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా గత 9.5 సంవత్సరాలుగా ఒక చిన్న అవినీతి ఆరోపణ లేకుండా సమర్థవంతమైనటువంటి పరిపాలన, ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి పరిపాలన, పేద ప్రజలకు బడుగు బలైన వర్గాలకు సేవలు అందించేటువంటి పరిపాలన, దేశాన్ని అన్ని రకాల అభివృద్ధి దిశలో తీసుకెళ్తూ దేశంలో మహిళల కోసం పెద్దపీట వేస్తున్నారు। ప్రపంచంలో భారతదేశ గౌరవాన్ని ఇనుడింపజేసేటువంటి ప్రభుత్వం, భారతదేశం యొక్క భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చి భారతదేశానికి అన్ని రకాలుగా భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి ప్రభుత్వం ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం। కాబట్టి ఆ దిశలో सीपीआई कायद सांबा शिवा राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिंगरैनी कॉलेज के इंतखाबात में सीपीआई के ताइदी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए मजदूर तबके के तमाम मसाइल की वो यकसोई करेंगे। सांबा शिवा राव ने उन्हें सिंगरैनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोकने की सख्त मजम्मत करते हुए बताया चूँकि इंतखाबात की मुहिम का वक्त बाकी था इसलिए वो कोत्तागुड़म में मुहिम चलाने के लिए पहुँचे थे, लेकिन बाद सियासी जमातों के कायदीन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर कायद अमित शाह तवक्को है कि 28 दिसंबर को तेलंगाना रियासत का दौरा करेंगे और सीनियर कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए पार्लिमानी इंतखाबात 2024 की हिकमत अमली को खतियत देंगे। अमित शाह रियासती सदर बीजेपी जी किशन रेड्डी के अलावा डी के अरुणा, बंडी संजय, डी अरविंद और दीगर कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उनकी भी आरा हासिल करेंगे। रियासती बीजेपी कायदीन के मुताबिक इस मरतबा बीजेपी तेलंगाना रियासत से 10 पार्लिमानी नशिस्तें जीतने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है और इसी मंसूबे के तहत मस्कुरा इजलास मुनक़िद किया जाएगा। तेलंगाना के कई अजला में सर्दी और कोहर का असर देखा जा रहा है और तवक्को है कि मज़ीद 5 से 6 रोज़ तक ये जारी रहेगा। इस सिलसिले के तहत श्रीसाइलम हाईवे करताल पर धुंध की वजह से रास्ता बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों बिलखुसूस आरटीसी बसों को रोक दिया गया। श्रीसाइलम मंदिर जाने वालों को भी इस ट्रैफिक जाम की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाक़ शमशाबाद में कम रोशनी और धुंध लाए हुए मौसम की वजह से 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ों का रुख मोड़ देना पड़ा। पीर की सुबह से कोहर की वजह से फ़ज़ा धुंध लाई हुई थी, जिसके बाद हकाम ने फैसला लिया कि परवाज़ों का रुख मोड़ दिया जाए। रियाज, दमाम, मस्कत और दोहा से आने वाली परवाज़ों को बेंगलुरु, नागपुर और शहर के दीगर एयरपोर्ट्स को जाने की हिदायत की गई। इसी तर्ज पर कुछ परवाज़ों को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एयरपोर्ट के लिए भी मोड़ दिया गया। वाज़ेह है कि पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद सर्दी और कोहर की लपेट में है और हाईवेज़ पर भी सुबह के औक़ात में गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रियासत के साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने वेजली चर्च सिकंदराबाद में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मुकामी बिशप ने श्रीनिवास यादव को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर ईसाई बरादरी के भी जिम्मेदारान मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्क़े जात में अपने पैदल दौरे जारी हैं, जहां वो बल्दी मसाइल के अलावा दीगर बुनियादी मसाइल का भी जायज़ा ले रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, मोती महल, जिन्सी बाज़ार, ताकतबौली, सादात नगर, मोती दरवाज़ा और इंदिरा नगर खद्दरबाग का दौरा किया और VDCC रोड के नए तामीरी कामों का मुआयना किया। हल्के कारवान के नानल नगर डिवीज़न के तहत किए गए इस दौरे के मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। मटे एमंटे गार्डनिंग చేసుకోవాలి అలా పనేందు కాదు ఉండండి తీసుకోవాలి పెద్ద మెయిన్ రోడ్ క్రాసింగ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే మొత్తం పై నుంచి లోడ్ అంతా ఇక్కడే వస్తుంది మొత్తం మళ్ళీ ఇలా చిన్న వెట్టు కాదు 700 ఎప్పుడు సప్త దీని అప్పుడు సోలన్ కాసే తో కొద్ది పడతాం దరాని। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडा राम ने साबिक़ BRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि अराजी रिकॉर्ड्स में उसने काफ़ी उलट फेर किया है, हत्ता कि ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज़ से रेवेन्यू क़वानीन में भी तरमीम की गई है। तेलंगाना गज़िटेड तहसीलदार एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किए गए एक प्रोग्राम से वो ख़िताब कर रहे थे, जिसका उन्वान तेलंगाना रियासत में रेवेन्यू तरीक़ेकार को मजबूत करना रखा गया था। हरिता प्लाजा में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में साबिक़ IAS अहदेदार पहरेदारों के अलावा रेवेन्यू सिस्टम पर गहरी नज़र रखने वाले जहदकारों ने भी शिरकत की। प्रोफेसर कोदंडा राम ने जोर दिया कि सिस्टम को देहात की सतह तक मजबूत रखना चाहिए ताकि हुकूमती स्कीमात का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँच पाए। ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना की जानिब से यूनानी मेडिसिन पर कौमी सतह के सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। एरागड्डे में वाक़े रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा सेमिनार में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मक़ाले भी पेश किए गए। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान की इमा पर मस्कुरा सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस ने सेमिनार की सदारत की। प्रोफेसर वेदैया आर के शर्मा NCISM नई दिल्ली, प्रोफेसर एस नारायण यादव, प्रोफेसर डॉक्टर वसंत राव, प्रोफेसर SJ बुखारी, प्रोफेसर MA फारूखी और दीगर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। बाद अज़ा ऑल इंडिया तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना के ज़िम्मेदारों ने मीडिया को तफसील भी बताई। मुझे उम्मीद है कि आप इसको पूरा करेंगे। तो बहरहाल अब इस सिस्टम पर काम करने के लिए वो बहुत ही स्टैंडर्ड काम साबित होगा आने वाले दिनों में। अभी और यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, आज जो ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सरजमीन हैदराबाद में फिर एक बार एक बहुत दिन बाद एक मेन मकसद भी होता है यूनानी मेडिसिन के प्रमोशन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए तजावीज़ इकट्ठा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक बात ये चाहूँगा कि वो लोग वहाँ पर जब एग्जाम लेते हैं यूनानी डॉक्टर फैकल्टीज बड़े उनकी फिक्र है। इंशाल्लाह हम बराबर उनका साथ देंगे। वो आप तमाम से फिर से एक मतलब गुजारिश करता हूँ कि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस से आप तमाम हजरात गुजारिश है, जब कभी भी सेमिनार्स, सीवी प्रोग्राम्स, कुछ मीटिंग्स होते हैं तो मीटिंग में शिरकत कर लीजिए। वही हमारे इंशाल्लाह जुड़ेंगे ना आप लोग, हाथ उठाकर बता दें, हमारी मददगारी करें। चलिए जरा करना आप जाने से पहले जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसका रिजल्ट ये है कि वो अभी WHO ने सेंट्रल हमारे उसको काउंसिल और उसको यूनानी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया है। अब इससे बढ़कर आप लोग ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना स्टेट की जानिब से नेशनल लेवल का सेमिनार यूनानी मेडिसिन पर यहाँ एरागड्डा NRISUMSD जो सेंट्रल रिसर्च सेंटर है एरागड्डा में, वहाँ पर मुनक़िद किया गया है। उसका मकसद यही है कि जैसे यूनानी को किस तरह से फ़रोग दिया जाए, यूनानी के मसाइल क्या हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किस तरह से इन मसाइल को गवर्नमेंट तक गवर्नमेंट के नोटिस में ले जाया जाए और इसको किस तरह से फ़रोग दिया जाए। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर करने के लिए हमारे दिल्ली के ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि एक बड़ा नेशनल सेमिनार शहर हैदराबाद में मुनक़िद किया जाए जहाँ पर यूनानी का मरकज़ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम को आज यहाँ पर इतवार के दिन 24 दिसंबर है, आज यहाँ पर जो है सो मुनक़िद किए हैं। और इस प्रोग्राम में तकरीबन 300 ऑडियंस डेलीगेट्स शिरकत किए हैं और मेहमान ख़ुसूसी में जो है सो हमारे ख़ास तौर पर प्रोफेसर वैद्य RK शर्मा साहब, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन NCISM न्यू दिल्ली, उनके जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर नारायण यादव साहब मौजूद हैं। और ये प्रोग्राम प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब नेशनल सदर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की सदारत में मुनक़िद किया जा रहा है और मेहमान ख़ुसूसी ख़ास तौर पर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं। और इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी इस नेशनल इंस्टीट्यूट जो यूनानी का है उसके डायरेक्टर डॉक्टर यूनुस इफ्तिखार मुंशी साहब की भी मौजूद हैं हमारे साथ, और डॉक्टर J वसंत राव एडिशनल डायरेक्टर यूनानी भी मौजूद हैं, और निज़ाम तिब्बी कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर SJ बुखारी साहब मेहमान एजाज़ी के तौर पर इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एहसान फारूकी साहब नेशनल प्रेसिडेंट एकेडमिक विंग ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद अताउला शरीफ साहब भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। बहादुरपुरा पुलिस ने इक़दाम कत्ल केस में मुलविस दो हिस्ट्री शीटर्स को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से हथियार बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मस्कुरा मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में पहले ही से कई केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं और बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अकबरुद्दीन फारूक़ी और मोहम्मद मोहसिन हुसैन को हिरासत में लिया गया। नलगुंडे में दो सड़क हादसात में 5 लोगों की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक फुटपाथ से टकरा कर केशोलो की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके अफराद ख़ानदान मुकाम वाक़े जा रहे थे कि टैंकर ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 4 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या मानूर मंडल के पास पेश आया। वखराबाद के हुदूद में गहरे कोहर की वजह से तेज रफ्तार कार तवाजुन खोकर झील में गिर गई। कार में 5 मुसाफिर सवार थे। एक शख्स गरकाब हो गया जबकि 4 को बचा लिया गया। गरकाब शख्स की तलाश जारी है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने क्रिकेट मैच के टिकट दिलाने का झांसा देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के एक शख्स ने रियाज नामी शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि खुद को इवेंट कंपनी का फ्रीलांसर बताकर रियाज ने क्रिकेट मैच के टिकट फराहम करने का लालच दिया, लेकिन रकम लेकर टिकट हवाले नहीं किया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर रियाज को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया। बताया गया कि रियाज ने 19 मार्च 2023 को विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच के टिकट के लिए रकम तलब की थी और 5,26,360 रुपये की रकम रियाज के अकाउंट में मुंतकिल की गई थी। साइबर क्राइम पुलिस ने उत्तर प्रदेश के साकिन हर्ष कुमार को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तारनाके के साकिन एक शख्स ने हर्ष कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया कि पेडिक्स कंपनी से कोरियर आया है, लेकिन उसके क्लियरेंस के लिए रकम जमा करवानी पड़ेगी। मुतासर शख्स ने 5,98,726 रुपये की रकम जमा करवाई, लेकिन पार्सल हवाले नहीं किया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने हर्ष कुमार को भी गिरफ्तार किया है। मलारदपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक दीगर 3 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब गगन पहाड़ से दबिलपुरा जाने वाली एक कार काटेदन के पास डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार एक शख्स शेख उमर मुकामी वाक़े पर ही जान बहक हो गए। दीगर तीन अफराद को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात जारी है। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से मासूम बच्चों और ख़वातीन का चलना फिरना दोभर हो गया है। शेखपेट के वीनूभा नगर में 5 माह के शीरख्वार को झोपड़ी में दाखिल होकर कुत्ते ने काट लिया। ज़ख्मी हालत में बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जो आज उस्मानिया हॉस्पिटल में जानबर ना हो सका। जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो इंतज़ामिया हरकत में आता है, लेकिन उसके बाद फिर से खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक मुनक़िद होने वाली ग्राम सभा को कामयाब बनाया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के अलावा अराकीन असम्बली और पार्टी कायदीन को दी हिदायत। कांग्रेस ने अक़लियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। बीआरएस रुकन कौंसल के कविता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर की तनकीद। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने पेश किया खिराज। कहा, बाहैसियत वज़ीर आज़म अटल जी की खिदमत को याद रखा जाएगा। तेलंगाना के कई अजला में सर्दी और कोहर का असर जारी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें प्याम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।